Pillow. Need pillow. गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैंने ऊपर वाले से बस इतनी सी दुआ मांगी थी कि आज मौसम अच्छा कर देना, लेकिन भाई साहब ने मौसम अच्छा भी कर दिया, साथ में बारिश भी दे दी। और अब पंगा हो गया कि बारिश हो रही है तो कंटेंट नहीं बनेगा। तो एक बात आप हमेशा नोट कर लेना, इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता है, उसको कोई ना कोई कारण मिल ही जाएगा। अरे यार ये तो हो ही जाना चाहिए था, अरे यार ये हो गया, चलो ठीक है ये कम होना चाहिए था। बस सारी चीज़ें परफेक्ट चाहिए, और परफेक्शन नाम की चीज़ें इस यूनिवर्स में तो एग्जिस्ट करते नहीं है। इन टर्म्स ऑफ नेचर, हाँ नेचर परफेक्ट है, लेकिन नेचर की भी हम माँ बहन करने में तुले हैं। अब की बार देखा होगा आपने 2021 दुनिया का सबसे गर्म साल कैसे बनता जा रहा है। कनाडा के अंदर हीट वेव्स आ रही हैं, पाकिस्तान की एक जगह पर टेम्परेचर 53 के आसपास पहुँच गया है। मैं हूँ समरकांद में, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने तरमे से ट्रेन पकड़ी, ट्रेन ने मुझे 4 बजे यहाँ पर उतार दिया था। उज़्बेकिस्तान की सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको हर स्टेशन के ऊपर हॉस्टल्स मिल जाएंगे। तो 50,000 रुपये मैंने पे किए, 50,000 सोम यानी 350 रुपये में मुझे हॉस्टल मिल गया था। 4 बजे से 9-10 बजे तक मैं दबा के सोया, फिर उठ के मुँह माँ धोया, ब्रश व्रश की, और फिर से ये अफगानी कपड़े पहन के मैं बाहर निकल गया हूँ। अब की बार मेरी मजबूरी थी ये कपड़े पहनना, क्योंकि ये लास्ट कपड़े हैं जो मेरे पास बचे हुए हैं। और अब स्टार्ट करते हैं आज की हमारी एक्सप्लोरेशन ऑफ समरकांद। मीटर सबसे पहले मैं जा रहा हूँ पेट पूजा कर लेंगे, यहाँ का एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। तो मैंने सोचा क्यों ना यार अब की बार थोड़ा खाने के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया जाए। खाने के साथ करता हूँ, लेकिन मैंने कैमरा के ऊपर कभी भी खाने के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किए, तो आज थोड़ी फूड व्लॉगिंग भी हो जाए। समरकांद की अगर हिस्ट्री की बात करें तो समरकांद सिल्क रोड के ऊपर सबसे बड़ी सिटी होती थी। सिल्क रोड, अब पिछली कुछ वीडियो से मैं बता रहा हूँ कि सिल्क रोड, लेकिन अगर फिर भी आपको पता नहीं है सिल्क रोड क्या है, सिल्क रोड एक रूट था पुराने टाइम का, यानी मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन के डेवलप होने से पहले, जो मूवमेंट थी गुड्स की फ्रॉम चाइना टू मेडिटेरियन। सिल्क रोड कनेक्ट करता था चाइना टू यूरोप। समरकांद के ऊपर अलेक्जेंडर ने भी अटैक किया था, चंगेज़ खान के नीचे भी आ गई थी, फिर सोवियत यूनियन ने भी इसके ऊपर राज किया, और जो तैमूर था वो भी समरकांद से बिलोंग करता था। तैमूर की राजधानी होती थी समरकांद, और जो तैमूर का मकबरा है वो भी समरकांद में ही है। कमजोन लुक्स ऑफ समरकांद का वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट। उज़्बेकिस्तान के लगभग रेस्टोरेंट के अंदर आपको बैठने के लिए कुर्सियां भी मिलेंगी, और वो बैठने के लिए क्या बोलेंगे उसको यार, ये ईरान में भी था, यहाँ पे भी है, और शायद जहाँ पे थोड़ा बहुत पर्शियन कल्चर और तुर्की कल्चर का इन्फ्लुएंस है ना, वहाँ पे हर जगह आपको इस टाइप की बैठने की जगह मिलेंगी। तो भाई साहब ने मुझे अंदर ही बुला लिया। हेलो, सलाम अलैकुम। पुलाव लुक्स पुलाव। मेरा नाम है अनवार। हिंदुस्तान। समरकांद। फॉरवर्ड। शेफ कोक। समरकांदी पुलाव दा। पंजाब। पंजाब। इंडिया की पंजाब। स्ट्रीट पंजाब। इंडिया पंजाब। दा। आदिम पंजाब इंडिया, आदिम पंजाब उज़्बेकिस्तान। ये रेस्टोरेंट है पंजाब स्ट्रीट के ऊपर। अब मैं चक्कर में पड़ा हूँ, ये पंजाब अपने वाला पंजाब है या फिर इसका कुछ और मतलब है। पंजाब स्ट्रीट। अहमद जान ओश। वन पुलाव, आदिम पुलाव एंड सलाद एंड। ओके थैंक यू। तक मैंने जितने भी रेस्टोरेंट देखे हैं ना, उन सभी के अंदर थोड़ी क्वांटिटी में पुलाव नहीं बनाते, इतने बड़ी बड़ी देग होती हैं पुलाव की, और फिर वो एक साथ खा रहे होते हैं। ये सैलेड, ये आयरन बोले तो रायता, और ये हमारी ब्रेड गरम गरम है, तो इसको गरम गरम खाने में मज़े आते हैं। ये है लैम का मीट, और ये है शायद स्पैरो, छोटी सी स्पैरो या चिकन है मैं एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, और नीचे हो गए अपने चावल, और साथ में ये है चिली, क्योंकि इसके बिना जो मज़े हैं ना अधूरे हैं। सेंट्रल एशिया के लोग इतना मसाला नहीं खाते। जो चना होता है ना काबुली चना, वो भी डाला हुआ है। तो मैं पहली बाइट लेने वाला हूँ चावल की।
मेरा अब तक का उज़्बेकिस्तान का सबसे मस्त पुलाव है। बाकी आप में से मार्क वाइंस की वीडियो कौन देखता है? एक यूट्यूबर अपने शायद थाईलैंड से है, वो मेनली खाने की वीडियोस बनाता है, और जब भी वो कोई नया खाना ट्राई करता है ना तो मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब उस भाई के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो नेक्स्ट लेवल। देखिए रुकिए, ऐसा होगा, भाई ने एक उठाया ये, इट इज द डिलीशियस फूड आई हैव एवर हैड, इस टाइप के एक्सप्रेशन होता है। लेकिन भाई की जो वीडियोज है ना बहुत मस्त है। मार्क वाइंस, सॉरी ये गलत चीज़ बता दी थी मैंने आपको, ये जो आपको ये दिख रहा है ना ये आलू नहीं है, मैंने गलती से आलू बता दिया था आपको, ये है कैरेट यानी गाजर। मैंने अभी टेस्ट किया, मैं यार ये मीठी मीठी क्यों लग रही है, और आलू जैसा टेस्ट ही नहीं आ रहा है। पुलाव भी मस्त चल रहा है, और जैसे अपने इंडिया में इसको बोलेंगे रायता, तुर्किक लैंग्वेज में इसको बोलेंगे आयरन, और ईरान में से बोलेंगे दूग। आज का हमारा जो खाना है वो हो गया है, ये है अनवर भाई यहाँ के ओनर। पुलाव और साथ में दूग वूग सारी चीज़ें, मैंने कंपोर्ट भी ले लिया था, तो उन सब के बने हैं टोटल 65,000 सम। खैली खैली ममनून। एक बार की तो पेट पूजा हो गई है, बाकी ये था उज़्बेकी पुलाव, और अब हमारी अगली मंजिल होने वाली है रेगिस्तान स्क्वायर। रेगिस्तान, हेलो रेगिस्तान, रेगिस्तान भाई साहब की ऐसे ही मेरे को सरगर्म लग रहा है कि भाई साहब ये बंदा कह तो रहा है इंडिया का, और कपड़े पहने इसने अफगानी, चलने दो, लेकिन कोई नहीं भाई, मज़े आ रहे हैं मेरे को फुल, और मज़े ही आने चाहिए ना, रोज लो मौज लो ना मिले तो खोज लो, और मेरे पापा और बोलते थे रोज लो मौज लो ना मिले तो खोस लो, हरियाणा में खोस लो का मतलब छीन लो होता है। ते खराश भाई के अंदर अलग ही वाइब्स है, डांस कर रहे हैं बस चलाते चलाते, और क्या चाहिए लाइफ में यार। ईरानी मेरे और भाई का सफ़र यहीं तक था, इस्लाम भाई अपनी बस लेके आगे निकल गए, और यहाँ से मुझे जाना है रेगिस्तान स्क्वायर। रेगिस्तान खुदा खुदा हिंदुस्तान नमस्ते नमस्ते बाय बाय बाय। पंगा हो गया है, कब उज़्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो आज इस रेगिस्तान स्क्वायर पे आए हुए हैं, जो पीछे आप देख रहे हो यही है रेगिस्तान स्क्वायर। तो प्रेसिडेंट के आने के चक्कर में रेगिस्तान स्क्वायर को आज शाम 5 बजे तक बंद कर दिया गया है, पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, तो मैं नहीं जा पाऊंगा रेगिस्तान स्क्वायर। 5 बजे के बाद आ जाता मैं, लेकिन 5 बजे मेरी ट्रेन है, और समरकंद की सबसे इम्पोर्टेंट जगह है ये, अगर आप समरकंद आए और अगर आपने रेगिस्तान स्क्वायर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अब मुझे असली रीज़न पता चला है कि रेगिस्तान स्क्वायर क्यों बंद है, तो आज पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के अंदर कोई डील साइन वाइन हो रही होगी, और जो पाकिस्तान से डेलीगेशन आ रखी है वो यहाँ पे रेगिस्तान स्क्वायर को घूमने आ रखी है, और इसी कारण से जो नॉर्मल पब्लिक है उनके लिए रेगिस्तान स्क्वायर को बंद किया हुआ है। रेगिस्तान स्क्वायर, एक इंडियन अफगानी कपड़े पहन के इस टाइम पे जब अफगानिस्तान के अंदर हालात ख़राब हैं, और यहाँ पर उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के जो डेलीगेशंस हैं उनकी एक मीटिंग हो रही है, हाई सिक्योरिटी है इस सिटी में, और मैं ऐसे घूम रहा हूँ, लोगों को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा सस्पिशन हो सकता है अगर कोई मुझे पकड़ लेना कि भाई ऐसे क्या कर रहा है तू यहाँ पे, तो शायद तैमूर चाहता नहीं है कि मैं उसकी कब्र और उसका जो बनाया हुआ रेगिस्तान स्क्वायर है उसको विज़िट करूँ। जो तैमूर की कब्र है इसे भी बंद कर रखा है 5 बजे तक, तैमूर की कब्र बंद है, तैमूर का बनाया हुआ रेगिस्तान स्क्वायर बंद है, लेकिन कोई नहीं भाई, अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो है यहाँ के बाज़ार साहिब बाज़ार, उसकी तरफ जा रहा हूँ, एटलीस्ट वहाँ पर कुछ खाने को अलग अलग चीज़ें तो मिलेंगी। तो पहुँच गया हूँ मैं साहिब बाज़ार के अंदर। हिंदुस्तान
ये यहाँ की नान है। Hello. Hello. Baby, Hindustan. The Hindustan. Shahrukh Khan. Shahrukh Khan, dada. Hindustan. The Afghan is up in Hindustan, Mumbai. Mumbai, Bangladesh. Mumbai, Mumbai. Dipanchu. Dipanchu. The camera. Dipanchu. Bakhtiyor. Tajik? Tajik. Zabanet Farsi? Farsi. Farsi baladi? Sheroz. Sheroz. Kheli kheli mamnoon. Ali Baba. Tashakkur. Ali Baba. Tashakkur. Samarkand ke andar lagbhag jitne bhi log milenge na aapko, mostly 70% log, they are Irani. And unki jo language hai, that is can be Farsi or can be Tajik. बाकी ताजिक और फारसी में ज़्यादा फर्क नहीं है। समोसा था बड़ी देर ढूंढने के बाद मुझे समोसा की दुकान मिली है। ना ना ना, ये है उज़्बेक के समोसा। जी अंदर भाई आग जली हुई है। ये ऐसा इस तंदूर के अंदर समोसे बनते हैं। अपने इंडिया के अंदर जो समोसे होते हैं फ्राइड होते हैं, तो नॉर्मली इस समोसा के अंदर बीफ और लैम्ब की फिलिंग होती है। कई बार आपको चिकन भी मिल जाएगा, लेकिन मोस्टली बीफ और लैम्ब। तो आप पूछ लेना। ये देखिए, ये हो गया समोसा और ये हो गई समोसा की चटनी। और इस चटनी में डुबो के, इस चटनी के अंदर है टमाटर, प्याज, धनिया और मिर्ची। है तक पूछना। और साथ में है यहाँ पे चाय का कल्चर। सेंट्रल एशिया में और कुछ हो ना हो, आपको चाय हर जगह मिल जाएगी, हर जगह। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपन इंडियंस को आदत है दूध वाली चाय पीने की, यहाँ पे मिलती है एकदम ब्लैक चाय। और अभी मैं यहाँ से ट्रेन पकड़ के जाऊँगा वोकजाल, क्योंकि शाम को 5 बजे की मेरी ट्रेन भी है भाई। होपफुली ट्रेन में मज़े आएंगे मेरे को, क्योंकि लाइफ में मैं दूसरी बार कोई बुलेट ट्रेन लेने वाला हूँ। इससे पहले मैंने चाइना मिली थी। इस बुलेट ट्रेन का नाम है अफ्रोशियाब। ये ट्रेन की तरफ जा रहा हूँ मैं। अबे रुक जा। वो क्या? ओके थैंक यू। इसके तो ग्लासेस इतना साफ नहीं है यार। मैं सोच रहा था पीछे की वीडियो बना लूँ, लेकिन नहीं बन रही। जब शहरों में घूमने आता है ना, वैसी फीलिंग आ रही है। ओहो वाओ, अल्टीमेट है ये तो। ओके बाय बाय। पहुंच गया हूं समरकांद के रेलवे स्टेशन। तो बस यार, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम आई डी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप इन्जॉइंग योर लाइफ। बाय बाय।